बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल आलू के पराठे की रेसिपी लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे ज़्यादा क्रिस्पी किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा फ्लेवरफुल किया जा सकता है, क्यों कुछ लोगों के पराठे फट जाते हैं, बहुत बड़ा इशू है। इंशाल्लाह मैं तफसील से इन सब प्रॉब्लम्स को और टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बोल में हम गंदुम का आटा लेंगे 3 कप, और इसको मैदे से भी बनाया जा सकता है लेकिन गंदुम के आटे से ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। चलें जी, आटे को अच्छे से छान के आपने यूज़ करना है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक जाएगा और क्रिस्पी करने के लिए 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें मक्खन या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो डो को अब हम बना लेंगे, और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो इस डो को नॉर्मल पानी से हम गूंद लेंगे, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं। और इस आटे को आपने अच्छे से गूंदना है, जैसे हम देसी स्टाइल में आटे को गूंदते हैं। चलें जी, आलूओं को लेके कुछ बातें जिस वजह से वो आपके पराठे जो है नॉर्मली टूट जाते हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और डो के बारे में ये है कि डो को तब तक गूंदा जाता है जब तक ये बॉल को या जिस चीज़ में भी आप इसको गूंद रहे हैं उसको ये छोड़ दे। जैसे कि आप देखें, अब ये बॉल को छोड़ रहा है, मतलब कि ये चिपक नहीं रहा। चलें जी, इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट गूंदना है, ये परफेक्टली गूंद जाएगा। चलें, ऊपर हल्का सा वाटर लगा देंगे और इसको हम ढाप के रख देंगे, कोई 10 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। अब जाते हैं आलूओं की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 1/2 kg आलू हैं जिनको मैंने काट के बॉयल किया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो अगर आपके पास भी कभी टाइम कम हो तो आप काट के इनको बॉयल कर सकते हैं। अब ख़ास बात यह है कि इसको आपने थोड़ा सा पहले मैश कर लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद हाथों से आपने चेक करना है कि कहीं इसमें कोई बड़े साइज़ का आलू तो नहीं रह गया। बिल्कुल आपने इसको आटा नहीं बना देना पीस के, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दाना रहना चाहिए वरना आलू के पराठे में टेस्ट नहीं आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 तरीके होते हैं पीठी बनाने के, यानी कि फिलिंग बनाने के, एक तो ये पकाने वाला और दूसरा कच्चा। मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूँ। प्याज के बारे में अहम बात, यहाँ पे मैं एक छोटे साइज़ का प्याज ले रहा हूँ जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया था, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको थोड़ा सा कूट भी लिया है। कूटा मैंने क्यों, क्योंकि अगर आपका जो पराठा टूटता है उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि प्याज की कटिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो अगर हम कूट लेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो 1 टेबल कुकिंग ऑयल के अंदर हमने उसको सौते कर लिया। ये है अदरक, ये 1 टीस्पून जाएगा, ये भी कूटा हुआ है, ठीक हो गया। अदरक और प्याज, दो चीज़ें। और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी ये है आलू जिनको हमने मैश किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, ठीक है, दानेदार होना चाहिए ये। अब यहाँ पे इसको मिक्सिंग का भी एक चीज़ है कि अगर आप इसको चम्मच दबा के मिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे भी ये आटा बन सकते हैं, तो चम्मच को आपने इस तरह से चलाना है, ठीक हो गया। अब मसालों को लेके भी कुछ अहम बातें हैं। ऑफ कोर्स हर चीज़ में कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया जाएगा, कुटा हुआ, ठीक है, और ज़ीरा भी इसमें कुटा हुआ जाएगा 1 टीस्पून। लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी, और ये इतनी लाल क्यों है, क्योंकि इसको मैं खुद बनवाता हूँ, पिसवाता हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम नमक यूज़ करता हूँ। 1/4 टीस्पून जस्ट इसमें काली मिर्च भी जाएगी, और 1/4 टीस्पून ही इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं। चलें जी, ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। तो अब हम इनको मिक्स कर देंगे। फिर वही बात, आपने इसको दबा दबा के नहीं करना चम्मच को कि आलू ये बिल्कुल कहीं आटा ना बन जाए, बिल्कुल पीस ना जाए, ठीक है, तो ये दानेदार ही रहना चाहिए। तो जल्दी से इनको मिक्स करके ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसको हीट देके हमने उतार लेना। ये लें जी, अच्छी मिक्सिंग हो गई। अब मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, हरा मसाला मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं ऐड किया, इसको प्लेट में निकाल लूँगा मैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ठंडा। तो खुशबुओं को बरकरार रखने के लिए कुछ हरे मसाले मैं बाद में ऐड करूंगा। तो ठंडा करने के बाद इस फिलिंग को हम एक प्यारे से बॉल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी करेंगे मिक्सिंग कुछ मसालों को लेके। चलें जी, ये है हमारे पास हरा प्याज, ठीक है, बारीक कटा हुआ, ग्रीन अनियन, बहुत ही अच्छी खुशबू होती थी। ये हरी मिर्च है, इसका आप ध्यान रखना, आपने बिल्कुल बारीक काट के ऐड करनी या बेशक आप इसको कूट के ऐड कर लें, ठीक है।
हरा धनिया एक बॉल छोटी प्याली। तो हरी मिर्च जो है इसको आपने ध्यान में रखना है, ये काफ़ी सख्त होती है, अगर इसकी कटिंग बड़ी हुई तो आपका जो पराठा है वो टूट सकता है, ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है। फिलिंग तैयार होगी, अब जो हमने आटे को डो को स्टे दिया था उसको पकड़ लेते हैं, एक बड़ा सा इसमें पेड़ा निकाल लेते हैं। बड़ी रोटी बनाना बिल्कुल भी पराठा बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपने एहतियात से काम करना होता है। चलें जी, पेड़ा बन गया, अब नीचे हम डस्टिंग कर देंगे थोड़ी सी आटे की। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत सा बड़े साइज़ का पेड़ा, छोटा हम पराठा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा थपथपा लेते हैं, दबदबा लेते हैं, ताकि इसमें हम फिलिंग को ऐड कर सकें। चलें ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब फिलिंग को लेंगे, इसके अंदर रखेंगे बहुत ही जेंटली, कहीं साइड पे ना लगे। तो अब इस तरह से इसको कवर कर दें, मसला ही कोई नहीं। ये देखें आप, अगर आपने पहले कभी भी नीना बनाया तो एक दफ़ा ये बना के ज़रूर देखिएगा, यकीन करें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखें कवर कर दें और बाद में इसको साथ ही इसके ऐसे प्रेस कर दें, ठीक है। इन केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आटा हो जाए, मतलब आपसे सही नहीं बना, तो आप उसको उतार भी सकते हैं ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, अब आपने ये देखें पेड़ा तैयार हो गया, अब इसको आपने बेल लेना है। तो रोलिंग पिन है हमारे पास, यहाँ पे आटे की कर देते हैं डस्टिंग और इसको रख के हम आराम से इसके ऊपर भी थोड़ी सी डस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि जो रोलिंग पिन होती है ना वो अक्सर साथ जुड़ जाती है तो प्रॉब्लम आती है। बहुत ही जेंटली बिल्कुल बैलेंस के साथ रोलिंग पिन से आपने इसको बेल लेना है। चलें जी, साइडों को थोड़ा सा ध्यान से रखना है बस आपने। अब चूल्हा जो है, फ्लेम जो है तवे का, वो फुल गर्म होना चाहिए, ठीक है, ठंडा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठाते हैं प्यार से और तवे पे। अब यहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अगर आपको साइड जो है ज़रा मोटी लगती हैं आप हाथों से इसको प्रेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें जी, इसको पलटते हैं 2 मिनट बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको पकाते हैं, इस साइड से घुमाते हैं। घुमाते क्यों हैं, ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा पक जाए। अब देसी घी लगाते हैं, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दूंगा। पलट देते हैं इसको, अब घुमाते हैं ताकि जो हीट है वो इक्वली डिवाइड हो जाए। तो आलू वाला जो पराठा है फाइन, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़तें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आलू वाला पराठा ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में और इन वाई नोट डिनर में भी यूज़ होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और इसके साथ कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। हमारी कोशिश होती है कि जो जो सवाल आप करते हैं आने वाली वीडियोस में हम उनको सॉल्व कर सकें, उनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपसे शेयर कर सकें। अब दीजिए इजाज़त, सारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।